श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है। दोस्तों, चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में रहेंगे, यानी धन भाव में रहेंगे। जी हाँ, ये चंद्रमा की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में काफ़ी मुनाफा होने की संभावना रहेगी। निवेश करने के लिए समय बिल्कुल सही रहेगा। इस दिन आप कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं। धन से जुड़ा, पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का आदान प्रदान आज आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये दिन आपके लिए आर्थिक तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। ये दिन आपको आर्थिक तरक्की जरूर दिलाएगा। आपके खर्चे कम होंगे व आय ज़्यादा रहेगी। फिजूल के खर्चे भी इस दिन होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ग्रहमान आपके पक्ष में है, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आपके कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके अधिकारियों से शाबाशी भी इस समय में आपको मिल सकती है, यानी आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। आपके कामों में मन भी लगेगा। बोनस या सैलरी बढ़त भी इस समय में होने की संभावना रहेगी। धन प्राप्ति के हिसाब से दिन आप ही के फेवर में है। अगर इस समय में नौकरी नहीं है तो प्रयास जरूर करें। ग्रह नक्षत्र अनुकूल है, लाभ जरूर मिलेगा। मनोवांछित नौकरी आपको इस समय में मिल सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए समय शुभ रहेगा। इस समय में महत्वपूर्ण फैसले ले और उस पर अमल करें, लाभ जरूर मिलेगा। जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होंगे। आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मौका इस समय में मिलेगा। यात्राएं होने की भी संभावना रहेगी। परिवार में कोई फंक्शन या कोई छोटी पार्टी होने की भी संभावना बनी रहेगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर से मिलना, घूमना फिरना, साथ समय व्यतीत करना, इन चीज़ों के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा व संबंध अधिक मधुर बनेंगे। पार्टनर्स के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अनबन बनी हुई है तो वो अनबन जरूर दूर होगी। प्रयास जरूर करें, अनबन या किसी तरह की दूरियां है तो मिट जाएगी। दोस्तों, हर काम में इस दिन आपको कामयाबी मिलने के संकेत हैं। टेंशन नहीं रहेगा, सोच पॉजिटिव रहेगी। पेंडिंग कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है। तो कोई पेंडिंग काम है तो इस समय में आप पूरा करने की कोशिश करें, वो काम पूरे हो जाएंगे। मैरिड लाइफ भी इस समय में मधुर रहेगी। पार्टनर्स एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। प्यार व शांति का माहौल आपके घर में, आपके परिवार में आपको इस समय में देखने को मिलेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें, सेहत की बात करें, तो ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है। जी हाँ, सेहत संबंधित कोई भी परेशानियां आपको नहीं सताएगी। पुरानी चल रही जो बीमारियां है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। प्रसन्नता व आनंद में दिन व्यतीत होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने फिटनेस पर, अपने रहन सहन पर, खान पान पर ध्यान जरूर दें। सुबह टहलना जारी रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, सोच पॉजिटिव रखें और मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दें, क्योंकि हमारे मन में जो भी विचार बार बार आते हैं उन विचारों से ही हमारा फ्यूचर बनता जाता है। तो हमारे विचारों पर भी हमारा नियंत्रण होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस दिन सफ़ेद रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और 6 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।